ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। अब आपको लैपटॉप का चार्जर लाने को कहा था, कहाँ है वो? बेटा यार मैं लाने गया था। बेटा क्या लाने गया था, अपनी चीजें तो लाना नहीं भूलते आप, से मेरा ही काम भूल जाते हो आप। यार मैं गया था दुकान पे, वो लड़का था। पापा आप रहने दो, आपसे एक काम नहीं होता और मेरा तो बिल्कुल ही नहीं होता आपसे। 20 सालों से देख रहा हूं मैं, मेरे लिए कुछ करा है आपने? सारा टाइम इस खाली कुर्सी पे बैठे रहते हो। अरे रहने दो पापा, कह देते पहले ही कि आपसे नहीं हो सकता, मैं खुद ही कर लेता, या अपने किसी दोस्त को कह देता करने के लिए, वो तो मेरा काम कर ही लेता ना यार। अरे रहने दो पापा, मैं बस ये चाहता हूं आपसे सब बात में किसी को ना मिले। नहीं यार नहीं आ पाऊंगा यार तेरी पार्टी में, पापा ने मना कर दिया। यार तेरा हर बार का यही ड्रामा है, सब आ रहे हैं, इस बार तो सुरेश भी आ रहा है। यार मैं क्या करूं यार, मेरा खुद मन है आने का, लेकिन ईश्वर इधर आइए जरा। हाँ मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। क्या भाई तू डरता क्यों अपने पापा से बात करने में? यार तुझे नहीं लगता कि मैंने कोशिश की होगी? पर तुझे तो उनका पता ही है ना, तेरे पापा सही है भाई, तेरे को पार्टी रखने दे रहे हैं वो भी अपने घर में। क्या बात कर रहा है, तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दे दी? किस्मत है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा, तेरी माँ बुला रही है तुझे इतनी देर से, घर का कोई काम तेरे को करना नहीं, सारे दिन दोस्तों से फोन का बात करवा लो। अरे उसे बता तो तू कि पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। तुझे कितनी बार कहा है, एक बार में काम हो जाना चाहिए, पर तुझे समझ कहाँ आती है ना। इसे बात करता हूँ, ये पापा आ गए। पढ़ाई लिखाई तू करता नहीं, घर का काम तुझसे होता नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? पूरा दिन तो घर पर ही बैठता हूँ, कहीं बाहर तो जाने देते नहीं हो आप, सबके घर वालों ने उन्हें पार्टी में जाने को अलाउ कर दिया है, एक आप हो जो मुझे जाने नहीं दे रहे। एक बार मना कर दिया तो कर दिया, कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ मैं। जा अब अपनी माँ से पूछ क्या कह रही थी। मैं नहीं जा रहा कहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? ठीक। एग्जाम्स कब से हैं? पता नहीं। देख मुझे पता है आज सुबह जो भी हुआ तो उसको लेकर मुझसे नाराज है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया। मैं 20 साल का हो गया हूँ, मुझे मेरा भला बुरा पता है। बेटा हमने दुनिया देखी है, हमें पता है क्या चीज़ सही है और क्या गलत। हाँ तो बाकियों के माँ बाप को उनका भला नहीं चाहते क्या, जो भेज रहे उन्हें पार्टी में? बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तेरा भला चाहता हूँ। तो क्या मेरी कोई खुशी मायने नहीं रखती क्या? अच्छा चलो ये तो बता दो कि जाने क्यों नहीं दे रहे? तू नहीं समझेगा। तो समझाओ ना, वो लड़का ठीक नहीं है तेरे लिए, बिगड़ा हुआ है वो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आपको तो मेरी हर चीज से दिक्कत है। तू समझता क्यों नहीं? आप रहने दो, आप और आपके पुराने ख्यालात, मैं तो बिल्कुल तंग आ गया हूँ आपसे। वो लड़का तेरे बाप से बड़ा हो गया क्या अब? कम से कम वो मुझे समझता तो है, आपकी तरह नहीं कि हर बात पर टोकता है। तू पागल हो गया है क्या? पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए हो। आप जाओ यहाँ से। ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? आपने कोई बाप वाली हरकत की है जो मैं आपसे उस तरीके से बात करूं? तमीज नहीं है तुझे? जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। एक पार्टी में तुझे क्या नहीं जाने दिया, तो कुछ भी बोलेगा मुझे? जब तमीज आ जाए तब बात कर लियो। मैंने तो कुछ कहना ही नहीं है, मैं तो बस ये कहूंगा कि भगवान करे आप जैसा बाप किसी को ना मिले। ईश्वर इधर आ।
आ रहा हूँ। तेरे पापा कहाँ गए इतनी रात में? अभी तक घर नहीं आए? पता नहीं, तेरे कमरे से गुस्से में निकले थे और सीधा बाहर चले गए। तेरा दिन हो गए उनको गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की तो बात हो कि वो मुझे डांट रहे हो, जैसे कल की बात हो वो मुझसे बात कर रहे हो और मुझे कुछ समझा रहे हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। अभी की तो बात थी कि वो मेरे साथ थे। हाँ, जिस बात का एहसास हो रहा है कि जिंदगी के बदल जाने से वक्त नहीं बदलता, लेकिन कभी कभी वक्त बदल जाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऐसी कई बातें थी जो मुझे उनसे कहनी थी, कई यादें थी जो फिर से जीनी थी, कई माफियां थी जो मांगनी थी। मुझे तो लगा था कि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन आप तो अचानक बिना बताए चले गए। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने आपको उस दिन ये सब ना बोला होता तो आप उस दिन घर से ही ना निकलते और ये सब हुआ ही ना होता। काश मैं वो वक्त बदल सकता। मुझे याद है आखिरी बार हमने अमर प्रेम साथ में देखी थी और ये गाना साथ में गुनगुनाया था। इस गाने को सुनते हुए मुझे अक्सर लगता है कि कैसे किसी और के शब्द हमारी जिंदगी की सच्चाई बयां कर देते हैं। इन 13 दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपने कहे पर पछतावा ना किया। काश ये शब्द मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। काश मैं अपनी जिंदगी से इसे हटा सकता। आज भी मैं उस वक्त को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि काश जो हुआ मैं उसे बदल सकता। आज मैं जिंदगी के उस रास्ते पर हूँ जिसकी मंजिल अब नजदीक है। मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसे चले जाएंगे, लेकिन अब इसको तो पता चल जाएगा कि इसका भाप जाने वाला है। हम बस किसी तरह इसे समझा पाऊं कि जो गलती मैंने करी वो ये ना करे, और वो तो इसका बाप है। यही चाहूंगा कि ये बाकी की जिंदगी उस काश में ना गुजारे। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। Wow.